आपने अक्सर सुना होगा कि एक पति के लिए दो पत्नियों में हुआ समझौता, लेकिन ऐसा पहली बार सुनने में आ रहा है कि एक पत्नी के लिए दो पतियों में समझौता हुआ हो। यह मामला कुछ यूं ही है कि पत्नी को पूर्व पति को सौंप दिया गया ताकि वह बच्चों की परवरिश सही तरीके से कर सके और गर्भ में पल रहे बच्चे की डिलीवरी करा सके। जी हां, यह मामला है पाकिस्तान के लाहौर स्थित रायविंद इलाके का। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके पूर्व पति के पास भेज दिया ताकि उसकी पत्नी बच्चे पैदा कर सके और उसकी परवरिश उसका पूर्व पति करे। दोनों पतियों ने इस बारे में अपना लिखित बयान भी पुलिस थाने में दर्ज कराया है। महिला के वर्तमान पति ने समझौते में लिखा कि मेरी पत्नी रूबीना बीबी को पूर्व पति से 4 बच्चे हैं। मेरी पत्नी अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं होने से परेशान रहती है, इसलिए मैंने इसे उसकी सहमति से उसे उसके पूर्व पति के पास भेज दिया है। वर्तमान पति ने बताया कि उसकी पत्नी अभी भी गर्भवती है। उसने समझौते में लिखा कि वह किसी भी समय आकर अपनी पत्नी से मिल सकता है, साथ 1 साल बाद होने वाले बच्चे को भी ले जा सकता है। बच्चा होने तक रूबीना अपने पूर्व पति के साथ रहेगी। वर्तमान पति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को परेशान नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो वहीं पूर्व पति ने कहा कि मैं रूबीना और बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगा, हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान की लोकल मीडिया के अनुसार ये शायद दुनिया के पहले पति होंगे जिन्होंने आपसी समझौते के तहत पत्नी को साझा किया है। समझौते के बाद दोनों पतियों ने एक साथ कहा कि समझौता सिर्फ इसलिए किया है ताकि वह महिला अपने बच्चों के साथ खुशी से रह सके।